आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे, अपना प्रदेश अपना चैनल। यमुनानगर का बालकुंज किसी न किसी रूप में सुर्खियों में बना ही रहता है। ताजे मामले के अनुसार बालकुंज में बने रेड क्रॉस के पुनर्निवेश केंद्र से चार बच्चे फरार हो गए। यह चारों वहां बने बाथरूम के रोशनदान के रास्ते से भाग निकले। भागने वालों में से दो बच्चे नेपाल के हैं, जबकि दो बच्चे यमुनानगर के ही हैं। नेपाल के बच्चों को अंबाला के रेलवे स्टेशन से यहां लाया गया था, जबकि यमुनानगर के रहने वाले बच्चे शहर के ही डाकू पर काम करते थे, इसलिए इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन की टीम के द्वारा रेस्क्यू कर बालकुंज में भेजा गया था। लेकिन कल रात अचानक यह चारों इकट्ठा ही बालकुंज से फरार हो गए। अभी तक इनके भागने के कारण तो साफ नहीं हो पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बालकुंज की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं। इस बारे जिला उपायुक्त गिरीश अरोड़ा ने बताया, चार बच्चों के बालकुंज से फरार होने की सूचना उनको मिल चुकी है। बालकुंज छछरौली से चार बच्चों के फरार होने की सूचना मिली है। हालांकि मैं पीछे शनिवार को या इतवार को, तीन चार दिन पहले बालकुंज के दौरे पर था और इन बच्चों से, चारों से मैंने बात भी की थी। दो बच्चे नेपाल से हैं और दो बच्चे यहीं यमुनानगर के आसपास के हैं। दो जो नेपाल के बच्चे हैं वो तो अंबाला रेलवे स्टेशन से लाए गए थे यहाँ, और बाकी लोकल ढाबों पे दो बच्चे काम करते थे। और मैं लंच टाइम में उनका खाना वगैरह भी चेक करने गया था, उनके साथ मैंने बातचीत भी की। ठीक अवस्था में लग रहे थे, अब पता नहीं कौन इनके पीछे है इनको भगाने में। तो पुलिस टीम्स हमारी तलाश कर रही हैं और हमारा यही प्रयास रहेगा कि जैसे वो भटके हुए हैं किसी की बातों में आकर कहीं निकल गए होंगे, तो पुलिस टीम तलाश में लगी हुई हैं और जैसे ही बच्चे मिल जाएंगे हम उनको मुख्य धारा में लुटाने की कोशिश करेंगे। उस समय भी जब मैं दौरे पर गया था तब भी मैंने अथॉरिटी से यही बात कही थी कि इनके पेरेंट्स को तलाश करके उनकी काउंसलिंग वगैरह की जाए। इसमें जैसे पता चला है कि बाथरूम से निकले हैं और कोई कमियां सुरक्षा से संबंधित जो भी हैं उनको दूर किया जाएगा ताकि और बच्चे इस तरह से ना भाग सके। फिलहाल बालकुंज स्टाफ की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर इन चारों की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा टुडे के लिए यमुनानगर से सुमित ओब्रॉय की रिपोर्ट।